नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस चरनी में। ऋषभ आर्या नाम के एक यूट्यूबर है, ये आए दिन बहुजन समाज के इतिहासकारों का मजाक उड़ाते रहता है। वही अगर कोई पांडे, दुबे, चौबे, ओझा टाइप के टाइटल हो तो उनकी खूब वाहवाही करता है कि ये बहुत बड़े इतिहासकार है। दरअसल इसकी मानसिकता इसलिए है क्योंकि ये आर्य समाज से ताल्लुकात रखता है और आर्य समाजी हमेशा ही बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इतिहासकार हैं, उनका मजाक उड़ाते आए हैं। इनका कार्य है कि ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना। इसका संस्थापक मुल्ला शंकर तिवारी उर्फ दयानंद सरस्वती था, जो कि 1875 में इसको स्थापित किया था। चूंकि इसका संस्थापक ही बहुत ही घटिया विचारधारा का था, इसलिए आर्य समाज विचारधारा से जितने भी ताल्लुकात रखते हैं वो सभी बहुत ही घटिया मानसिकता के होते हैं। दयानंद सरस्वती ने एक किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश, उसके 18वें चैप्टर में उसने भारत के तमाम संतों, चाहे वो कबीरदास हो या गुरु नानक देव हो या फिर कोई अन्य संत हो, उन सबको बहुत बुरा भला कहा उसने। हमारे लिए तो ये एक किम पुरुष ही है। ये देश विरोधी लोग भारत की ही प्राचीन संस्कृति की कब्र खोदने में लगे हैं। इन लोगों का काम बौद्धिक आतंक फैलाना आप समझ सकते हैं वो कितना घटिया विचारधारा का था। दरअसल 1846 में जब मैक्स मूलर और अन्य जर्मन और ब्रिटिश इतिहासकारों ने जब वेद उपनिषद की जर्मन और इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन शुरू किया और पूरी तरह से इनकी पोल खुल दी, इनकी धोती उतर गई और चड्डी फटी हुई निकली, जब पूरी तरह से ये नंगे हो गए तो इनने ब्राह्मणवाद की अलग अलग ब्रांचेज खोलनी शुरू कर दी। उसी में से एक ब्रांच थी आर्य समाज, जो कि 1875 में इस दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया। उद्देश्य था कि वेदों का फिर से अलग अलग भाष्य तैयार करके, मिलावट करके, किसी तरह जो वेद पूरी तरह से नंगे हो गए थे, इनकी गंदगी सबके सामने बाहर आ गई थी, उसको बचाना। लेकिन जिसके मूल में ही गंदगी हो वो कितना गंदगी साफ कर पाएगा। अब यजुर्वेद के मंत्र को देखें, इसमें दयानंद सरस्वती अपने भाष्य में कहता है, हे मनुष्यो, जैसे आज भली भांति समीप स्थिर होने वाले और दिव्य गुण वाला पुरुष वट वृक्ष आदि के समान जिस जिस प्राण और अपान यानी कि गुदा से निकलने वाली हवा यानी पाद के लिए दुख विनाशक करने वाले छेरी आदि पशु से, वाणी के लिए मेढ़ा से, परम ऐश्वर्य के लिए बैल से भोग करें। अब बताइए जानवरों से और बैल से ये कौन सा भोग सिखा रहा है? याद रखें, यहाँ पे इसने कहा है भोग करें, उन सुंदर चिकने पशुओं के प्रति पचाने योग्य वस्तुओं का ग्रहण करें। अब बताइए पशुओं से ये कौन सा चिकने पदार्थ लेके उसको पचाने योग्य ग्रहण करेगा? यहाँ गाय शब्द भी नहीं है। अगर गाय होता तो हम समझ लेते हैं कि चलो दूध, घी, दही की बात कर रहा है, ये तो पशुओं से चिकने की बात कर रहा है। तो आपने देखा कि दयानंद सरस्वती ने वेदों का भाष्य करके भी इसमें गंदगी को हटा नहीं पाया। तो ये आर्य समाजी जो पशुओं से भोग की बात कर रहे हैं, उससे पता नहीं कौन से चिकने पदार्थ लेने की बात कर रहे हैं, और वह पशु गधा और सुअर भी हो सकता है या कोई भी पशु हो सकता है। तो समझ सकते हैं कि इनकी संस्कृति कितनी घटिया है। इनके इस विज्ञान पे तो आगे मैं चर्चा करूंगा, अब जो ऋषभ आर्या ने चैलेंज दिया है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसने कुछ वीडियो बनाए थे जिसमें ये विकिपीडिया और सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से फेक न्यूज को बताकर हवा हवाई गप्पे छान रहा था, जैसा कि हर आर्य समाजी करता है। इसके जवाब में साइंस जर्नी से वीडियो 52 और वीडियो 67 पब्लिश किया गया, जिसमें इसकी पूरी तरह से खाल उतार दी गई, जिससे यह पूरी तरह से कोमा में चला गया। 5 महीने बाद इसका कोमा टूटा और अब ये फिर से एक वीडियो लेकर आया जिसमें वही पुराना फेक न्यूज वाला राग अलापने लगा। अब इस ढपोर संखी की एक एक बातों का यहाँ पे हम विश्लेषण करेंगे। यूं तो इसकी सारी खाल ही वीडियो 67 में और 52 में खींच दी गई है, फिर भी इसके अंदर जो बीमारी बची है उस बीमारी की सर्जरी इसमें होगी। और इसने यह भी चैलेंज दिया है कि जैसे ही इसके चैलेंज को पूरा किया जाएगा, ये हाय हाय करते हुए रोड पर जाकर किम पुरुष बन जाएगा। इस चमनलाल का सबसे पहला जो क्लेम था वह यह था, जो कि मैंने चाणक्य का इससे प्रमाण मांगा था, उसका कोई प्रमाण नहीं दिया और उल्टे ही एक अलग ही कहानी सुनाने लगा कि चंद्रगुप्त है इसीलिए चाणक्य है। तो यहाँ पे आपको यह बात समझना होगा कि इसे लॉजिकल फॉल्सी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे यह भगोड़ा बन गया, इसके पास कोई जवाब नहीं था, पूरी तरह से फंस गया था, पूरी तरह से इसकी चड्डी उतर चुकी थी, क्योंकि चाणक्य पूरी तरह से फर्जी चरित्र है। इसका वीडियो 41, 93, 94, 96 में पूरी तरह से और डिटेल्ड में उत्तर दिया जा चुका है। फिर यह अपने वीडियो में बार बार एंड्रोकोटस और पालीब्रोथस नाम लेता रहता है और बोलता है कि ये दोनों ही सिंधु नदी के आसपास के इलाके थे और मेगस्थनीज कभी भी पटना गया ही नहीं। अगर ये कहे कि चंद्रगुप्त का नाम मेगस्थनीज की इंडिका में आया है, उसे तो मैं पहले ही गलत साबित कर चुका हूँ।
वहाँ पर सैंड्रोकोटस नाम आया है जो कि चंद्रगुप्त नहीं है। अब इस ढकोर संख्या को पता ही नहीं, ये जो दोनों शब्द हैं, इन दोनों शब्दों की पहचान भाषा वैज्ञानिक करेंगे, न कि ये दो टके के रोड छाप आर्य समाजी। इसने एक भी प्रमाण नहीं दिया कि वो कैसे ही एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त नहीं है। किस इतिहासकार ने या किस भाषा वैज्ञानिक ने यह दावा किया है और उसके क्या प्रमाण दिए हैं, यह देता भी नहीं। मुंह खोला गपोड़ के चल दिया और यही गपोड़ते रहता है। अगर इसके पास प्रमाण होता तो ये दिखाता, लेकिन होता तब तो दिखाता। मैं आपको बताता हूँ, भाषा वैज्ञानिक राजेंद्र प्रसाद जी की एक अभी किताब आई है, किताब का नाम है सम्राट अशोक न्यू परिपेक्ष्य। उसके प्रथम चैप्टर में ही वह बताते हैं ग्रीक में एक शब्द एंड्रोदमस है, जिसमें से एंड्रो ग्रीक शब्द है और इसका मतलब होता है पुरुष, और दमस का अर्थ होता है जीतने वाला, और दमस प्राकृत का शब्द है। आज भी देखा जाता है कि दो अलग अलग देशों के नाम जोड़कर कुछ न कुछ प्रतीक चिन्ह बनते हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इसी तरह से एंड्रोकोटस में दो शब्दों का मेल है, एंड्रो का मतलब है पुरुष जो कि ग्रीक का शब्द है, और कोटस प्राकृत का शब्द है और इसका मतलब होता है किले वाला, यानी कि एंड्रोकोटस का मतलब हुआ किले वाला पुरुष। इसमें भाषा वैज्ञानिक राजेंद्र प्रसाद जी आगे यह भी लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने किला पुरुष यूं ही नहीं कहा है। पाटलिपुत्र की किलेबंदी ऐसी कि पंछी भी पर नहीं मार सके, किलेबंदी को देखकर मेगस्थनीज चकित थे। मेगस्थनीज ने लिखा कि पाटलिपुत्र की किलेबंदी ऐसी कि नगर के चारों ओर मोटी लकड़ी की दीवार थी, दीवार के बीच बीच में मोर्चे बने थे और चारों ओर 60 फीट गहरी और 600 फीट चौड़ी खाई थी। दीवार में 64 दरवाजे तथा 570 बुर्ज थे। तो एंडोकोटस का मतलब तो आप सभी समझ गए होंगे। अब पाली बोर्थस को भी मैं समझा देता हूँ। कर्नल एल ए वाडेल की निगरानी में मौर्य काल की खुदाई चल रही थी, उसमें से मौर्य कालीन एक स्तंभ मिला। उस स्तंभ की पूरी डिटेल उनने अपनी पुस्तक में दी है। पुस्तक का नाम है रिपोर्ट ऑन द एक्सकेवेशन एट पाटलिपुत्रा, ब्रैकेट में पटना भी लिखा हुआ है, और आगे उनने लिखा है द पाली बोथरा ऑफ द ग्रीक्स, यानी कि उनने भी पाली बोथरा से इसे इंडिकेट किया है। इस चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा पाली बोथरा का मतलब पटना ही है, और ग्रीक्स पटना को पाली बोथरा कहते थे। तो ये उत्खनन कराने वाले ने लिखा है। अब आप लोग इस ऋषभ आर्य नामक के किम पुरुष के पास जाकर इसे बोल सकते हैं कि यह तालियां बजाते हुए रोड पर आकर हाय हाय बोल ले। अब आते हैं इसके नेक्स्ट चैलेंज पे। इसमें ये हतिगुफा शिलालेख को बताता है और कहता है कि ईसा से 200 BC पूर्व लिखा गया और यह संस्कृत में है। और इसके एक गुरु का दूसरा दावा है कि संस्कृत का ईसा पूर्व कोई अभिलेख नहीं है। ASI का ही प्रमाण देखिए, जहां ASI ने अभिलेख को ईसा से 200 वर्ष पूर्व का बताया है, जिससे इसके गुरु का दावा भी गलत साबित हो गया। तो यह पूरी तरह से फेक न्यूज है। ये ऋषभ आर्य यहाँ भी पूरी तरह से नंगा हो जाता है। आप कोई भी रिसर्च पेपर उठा लीजिए, यहाँ पे मैं आपको PhD थेसिस की रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ, इसमें भी साफ तौर पे लिखा है, और एक रिसर्च पेपर में भी मैं दिखा देता हूँ, इसमें भी साफ तौर पे लिखा है कि हतिगुफा लेख लिखवाने वाला खारवेल थे और खारवेल जैन थे, और इसकी लैंग्वेज भी बताई गई है कि यह पाली लैंग्वेज में थी और लिपि तो ब्राह्मी लिपि थी ही। तो आप समझ सकते हैं कि यह ढपोरसंखी ऋषभ आर्य चमनलाल उर्फ गपोड़ी लाल आर्य समाजी ने किस तरह से यहाँ भी फेक न्यूज फैलाया है। आप जाकर इसे फिर से एक बार बोल दीजिए कि यह रोड पर निकलकर हाय हाय बोल ले। अब इसका नेक्स्ट चैलेंज सिंधु घाटी सभ्यता में हवन कुंड को बताना था, और उसके लिए एक डिजिटल मीडिया दिखाता है, बताता है कि NDTV का है, और उसने लिखा है कि वसंत सिंधे ने बता दिया है। अब इस ढपोरसंखी को ये नहीं पता है कि जो डिजिटल मीडिया होती है उस पर दिन रात मैसेज आते जाते रहते हैं, वह अपनी तरफ से कोई विशेष रिसर्च नहीं करते, बल्कि जो कहीं से मैसेज आया उसी को प्रचारित कर देते हैं। वह फेक न्यूज भी हो सकती है, उसको बहुत कायदे से जज करना पड़ता है और ऑफिशियल रिपोर्ट्स देखनी पड़ती है। अब बसंत सिंधे आज के समय के हैं, जब वहाँ की खुदाई चल रही थी तब ये चड्डी में घुमा करते होंगे। इसकी खुदाई हुई थी 1961 से लेकर 1969 के बीच में, और उस समय इसका कार्यभार संभाल रहे थे BB लाल। उनने कई किताबें भी इस पर लिखी है। उसमें साफ तौर पर इनने बताया है कि वहाँ पे जो फायर अल्टर्स मिले हैं वह लकड़ी का कुंड है। अब इस चित्र को देख लीजिए, यही चित्र मिला है वहाँ पे। इसमें से दो रूम है, एक रूम में चौकोर जो आप देख रहे हो इस हिस्सा को ये बता रहे हैं कि बड़ा हवन कुंड है। बताइए रूम के अंदर कोई हवन कुंड बनाएगा? और उसी के दूसरे रूम में किचन दिखा रहे हैं, वहाँ पे जली हुई लकड़ी भी है और ये भी फायर अल्टर्स है। तो अब ये सारे फायर अल्टर्स इनके हवन कुंड हो गए कि कोई अपना घर बनाता है और एक रूम में हवन कुंड बना देता है बड़ा सा। अब इन ढपोरसंखी
साथियों को समझना होगा कि कहीं भी जला हुआ या जलाने की कोई वस्तु मिले वह हवन कुंड नहीं होता। लकड़ी जलाने की, आग तापने की या भट्ठे झोंकने के लिए भी बहुत सारी चीजें प्राचीन काल से चलती आ रही हैं। इससे कहीं भी साबित नहीं होता कि यह हवन कुंड ही है। और ये वो ढपोर संखी बता रहे हैं जिन ढपोर संखियों को न तो गुप्त काल का पता था, न उसकी लिपि पता थी, न मौर्य काल के बारे में पता था। इन्हें कुछ भी नहीं पता था। वो सारा का सारा अंग्रेजों ने 19वीं और 20वीं सदी में खोजा है। और ये ढपोर संखी सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक काल बताने चला है, जिसका पता भी 19वीं और 20वीं सदी में अंग्रेजों ने भारतीयों को बताया था। इसके बाद से इसका नेक्स्ट जो क्लेम था वह था कि वेद कितने पुराने हैं। चूंकि आर्य समाजी एक ढोंगी समाज है जो कि हमेशा ही फेक न्यूज फैलाते आया है, तो इसका एक फेक न्यूज है कि वेद 1,96,000,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। और जब प्रमाण की बात आती है तो यह बगले झांकने लगता है। इस चमनलाल चंदू फेकू फटाफट को यह भी समझ नहीं आता कि 1,96,000,000 साल वेद कैसे पुराना हो सकता है। और सबूत क्या दिखा रहा है कि इसने फोन किया ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में, वहां से किसी ने बता दिया कि वेद 5,000 साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है, बस उसको इसने प्रमाण मान लिया। साथ ही मैंने इस डिपार्टमेंट में फोन करके पूछा, तब उन्होंने मुझे कहा कि वेदों को किसी भी तरह 5,000 साल से कम समय का नहीं मान सकते। वीडियो 67 में भी मैंने इसकी पोल खोली थी, लेकिन यह तो पूरी तरह से बेशर्म है। फिर ये यूनेस्को की वेबसाइट पे जाता है और वहाँ से जहाँ पे वेदा को पुराना स्क्रिप्चर बताया गया है और प्रमाण के तौर पे भारत सरकार ने 1464 एडी का भोजपत्र प्रोवाइड किया है। फिर साथ में वहाँ पे यह भी लिखा है कि यह मान्यता है कि यह और भी पुराने हो सकते हैं 2000 BC। तो यह इसी तरह का और प्रमाण दिखाता है कि 1500 BC से 2000 BC भी वेद हो सकता है। लेकिन सवाल प्रमाण का है, इसके पास कोई प्रमाण नहीं है। ये मान्यता को ही प्रमाण समझ बैठा है। आर्य समाज की खासियत ये है कि ये आलोचना करते हैं, आलोचना को ही प्रमाण समझ लेते हैं। मुंह खोलते हैं, शब्द गपोड़ते हैं, उसको ये प्रमाण समझ लेते हैं। प्रमाण के लिए एविडेंस की जरूरत होती है। यूनेस्को ने जो वेदा को पुराना स्क्रिप्चर घोषित किया है वो मान्यता के आधार पे नहीं किया है, बल्कि उसने मैनुस्क्रिप्ट जो 1464 एडी का देखा है उसके आधार पर किया है। मान्यता तो कुछ भी हो सकती है। अब इसकी भी एक मान्यता है 1,96,000,000 साल, तो क्या वो भी मान लिया जाए? उसके लिए प्रमाण की जरूरत होती है, लेकिन इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। चूंकि भारत के इतिहासकार हमेशा ही ब्राह्मणवादी रहे हैं, इसीलिए इनने इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। सच्चाई यह है कि वेद को समझने के लिए हमेशा ही भाष्य की जरूरत पड़ती है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। अब आर्य समाजियों को ही देख लीजिए, 1875 से अपना भाष्य बना रहे हैं। ये उससे पहले के भी भाष्य को नहीं मानते हैं और इनकी आंखें भी भाष्य को देखकर खुलती है। तो 1875 के पहले भी भाष्य करता थे, तो उससे पहले भी रहे होंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत कभी भी भारत की लैंग्वेज नहीं रही है और कोई भी संस्कृत को नहीं समझता है। इसीलिए लोकल भाषा में इसका भाष्य करके लोगों को बताया जाता है या ये खुद भी समझते हैं। अब इनकी एक किताब है वेदांग कथांग, जो कि 73वां एडिशन है गीता प्रेस में। इसके पेज नंबर 423 पे एक चैप्टर है भाष्यकार एवं वेद प्रवर्तक मनीषी, और इसमें तमाम तरह के भाष्यकारों के बारे में नाम दिया गया है। फिर ये पेज नंबर 429 पे अपने भाष्यकारों की जीवनी बताना शुरू करते हैं, और पहला नाम आता है 12वीं सदी के माधवाचार्य का, और फिर दूसरा नाम आता है उवट का, फिर महिदर का, और ये सब 12वीं सदी के हैं, फिर वेंकट माधव का जिसको कि विद्यारण्य भी कहा जाता है, फिर प्रभाकर भट्ट, सबर स्वामीन, जयंत भट्ट, फिर भागवताचार्य, नारायण, वाचपति मिश्र, और ये सभी 10वीं से 12वीं सदी के बाद के ही है। इसमें से सायण 15वीं सदी का था जिसका वो 1464 एडी का भोजपत्र मिला है। तो इसी से आप समझ लीजिए वेद का भाष्य कब शुरू हुआ, जब वेदों को पढ़ने की जरूरत पड़ी, जब वेदों की रचना हुई। अब इन ढपोर संखियों ने आज तक नहीं बताया कि 12वीं सदी से पहले ये किस भाषा में, किस लैंग्वेज में, किस बोली में वेद का भाष्य किए थे और कौन था भाष्य करता। अरे होता तब तो ये करते। ये खुद ही अपनी किताब में बता रहे हैं कि 12वीं सदी से उसका भाष्य होना शुरू हुआ। आप समझ लीजिए कि वेदों का जन्म 8वीं सदी के शंकराचार्य के पहले का तो कतई नहीं है, वहीं से धीरे धीरे गठित हुआ, इधर उधर से पकड़ के जोड़ तोड़ कर इनने बनाना शुरू किया और काफी बाद तक इसमें मंत्र जुटते रहे, तब जाकर वेद बना है। इसीलिए 12वीं सदी से पहले इसके भाष्यकर्ता मिलते ही नहीं। तो इस तरह से इस चमनलाल किंग पुरुष की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। अब इसे चाहिए कि यह अपना वादा पूरा करते हुए रोड पर आकर हाय हाय कहते हुए किंग पुरुष बन जाए, जो कि आर्य समाजियों पर बिल्कुल शोभा भी देता है। आगे आर्य समाजियों की गपोड़ लीला पे और
भी वीडियो आती रहेंगी, क्योंकि यही एक ऐसा भ्रष्ट समाज है जो बहुजन, फ्री थिंकर्स, रेशनल्स को हमेशा ही नीचा दिखाने की कोशिश करते आया है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।